गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था जैविक ऊतकों के बारे में। जैविक ऊतकों के बारे में या बायोलॉजिकल टिश्यूज के बारे में, सबसे पहले मैं आपको ऊतक के बारे में बताना चाहूँगा। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक विशेष कार्य करने के लिए जिम्मेदार हो, रूपांतरित हो, उसे ऊतक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता हो, उसे ऊतक कहते हैं। और हम जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, जैविक ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चार प्रकार के ऊतक बेटा आपकी क्लास के अंदर दे रखे हैं, जिनके बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं आपको मेमोराइज करता हूँ। सबसे पहले हमने उपकला ऊतक के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा, तीसरा हमने पेशी ऊतक के बारे में पढ़ा, और चौथा हम तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति या तो एक्टोडर्म से होती है, या मीजोडर्म से होती है, या एंडोडर्म से होती है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टेड बात है कि जो उपकला ऊतक है वो तीनों प्रकार के जनन स्तरों से बनता है। तीन जनन स्तर होते हैं जब भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय के अंदर, तो उसमें सबसे पहले तीन जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर, आंतरिक जनन स्तर। तो इन जनन स्तरों से ही संपूर्ण शरीर के अंगों का, भागों का विकास होता है। तो अगर मैं उपकला ऊतक की बात करूं तो ये तीनों प्रकार के जनन स्तरों से बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। सरल उपकला, घनाकार उपकला, रोमावी उपकला, स्थित उपकला, कूटस्थित उपकला, आयस्थित उपकला, तो ये कई प्रकार के होते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में एक वीडियो के उसके पीडीएफ फाइल के द्वारा मैंने आपको सेंड किया था वर्क, उसको आप पढ़ेंगे। और उपकला का मतलब अपर सरफेस को मैक्सिमम बनाते हैं ये, जैसे स्किन उपकला ऊतक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे सब तरह के उपकला ऊतकों के डायग्राम्स, उनके एग्जांपल्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। अगर इस तरह से आप लर्न करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो उपकला ऊतक का जो निर्माण होता है वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों से होता है। अगर मैं बात करूँ संयोजी ऊतक की और पेशी ऊतक की, तो इनका निर्माण मीजोडर्म से होता है। और अगर मैं तंत्रिका कोशिका की बात करूँ तो इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एक ऊतक और पढ़ेंगे, वो है संवहन ऊतक। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में दो तंत्र पाए जाते हैं, एक तो रक्त परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र। ये दोनों ही तंत्र विभिन्न आवश्यक आयनों, प्रोटीनों, विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, वाटर, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो संवहन ऊतक दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया रक्त और एक लसिका। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक भी है, जो विभिन्न आवश्यक आयनों, गैसों, विटामिन्स, प्रोटीन, एंजाइम्स का स्थानांतरण करते हैं शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं तक। ऐसे ही लसिका वशीय ऊतकों का निर्माण करती है, वशीय ऊतकों का स्थानांतरण करती है। जो आपको प्रीवियस क्लास में पीडीएफ भेजी है, उसमें से आप लसिका के बारे में पढ़ेंगे। लसिका वास्तव में होती क्या है? तो अगर मैं लसिका की बात करूं, तो कोई भी अगर ऑर्गन है हमारी बॉडी का, कोई भी अंग है, तो उसमें धमनी और सिराएं वहां तक आती हैं, उस अंग के पास तक आती हैं, लेकिन उसमें अंदर जाकर के ये कई छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे हम केशिकाएं कहते हैं। और जो धमनी और सिराएं हैं, इनमें रक्त का जो दाब है, रक्त दाब है, वो ज़्यादा होता है, यानी तेज़ी से बहता है, चौड़ी होती है, इसलिए इनमें रक्त तेज़ी से आता है और अंदर जाकर के छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। और इनमें जो रक्त का प्रेशर है, रक्त दाब है, वो बढ़ जाता है, जिसके बढ़ने से इन केशिकाओं से रक्त छन जाता है, और इस छने हुए रक्त को ही हम लसिका कहते हैं। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट संयोजी ऊतक की, तो संयोजी ऊतक में भी आपने कई प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा है, सरल संयोजी, रेशेदार संयोजी, कंकाल संयोजी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पेशी ऊतक की, तो बेटा इसमें तीन प्रकार की पेशी ऊतकों के बारे में पढ़ाया आपने, अरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी। इन तीनों ही पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, ये आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पीडीएफ फाइल के अंदर सेंड कर दिया गया है, आप एक बार कंप्लीट पढ़ा। जैसे मैंने कहा हृदय पेशी, तो हृदय का निर्माण हृदय पेशियों से होता है। किस तरह के ऊतक हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, कैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, और ये एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सभी ऊतकों के नामों के बारे में, प्रकारों के बारे में, उदाहरणों के बारे में आपको पढ़ना होगा। एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहूँगा, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तीनों ही प्रकार के, चारों प्रकार के ऊतकों के बारे में
आप इनके प्रकारों को एक कॉपी पे चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर चारों ऊतक, इनके सभी प्रकार, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जांपल पढ़ना होगा कि हमारी के हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स में पाए जाते हैं, और देन उसके आपको इसकी विशिष्ट वर्क क्या होता है इसका, वो आपको पढ़ना होगा। और आज हम लास्ट बात करेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो तंत्रिका ऊतक जब हम पढ़ेंगे तो इसमें तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तंत्रिका कोशिका क्या होती है ये समझने की कोशिश करेंगे। तंत्रिका कोशिका किसी भी सूचना को हमारे ग्राही अंग से मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक ले जाती है। तो इन तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना इस तरह की होती है। ये नीचे जाएंगे तो ये एक्सॉन होता है, तंत्रिकाक्ष होता है, तंत्रिका का अक्ष ये है तंत्रिकाक्ष, ये है तंत्रिका काय, और यहाँ से धागे की जैसी संरचनाएं ऐसे निकलती हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं द्रुमिकाएं, जो इन्फॉर्मेशन या सूचनाओं को ग्रहण करती हैं। बीच में होता है इसके केंद्रक, और इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें कहते हैं निशैल कण। आगे जाएंगे ये इस तरह की संरचना में वर्गीकृत हो जाती है, बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, जो कि दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ा होता है। इसके जो बीच में गैप होता है इसको हम कहते हैं स्नैप्स। इसमें रासायनिक आवेग उत्पन्न होता है जिससे सूचना एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका को स्थानांतरित कर दी जाती है। ये टच नहीं होती है, इसमें एक तंत्रिका रासायनिक आवेग उत्पन्न होता है जिससे ये सूचना को दूसरी तंत्रिका कोशिका को दे देती है, और इस प्रकार से सूचना मेरुरज्जु से होती हुई मस्तिष्क तक जाती है, और मस्तिष्क से डिसीजन वापस प्रेरक एवं संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा ग्राही अंग तक आता है, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, जो कि आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो गया, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4 जैविक ऊतक, जिसमें सबसे पहले आपने उपकला ऊतक, फिर संयोजी ऊतक, फिर पेशी ऊतक, और आज आपने तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ा। विभिन्न तंत्रिका मिलकर के तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। तो इन सभी ऊतकों की PDF फाइल को बेटा आप देखेंगे, चार्ट बनाएंगे और इनके एग्जांपल्स को लर्न करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।